राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी हैं, पार्टी के महासचिव श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, श्री कैलाश जी हैं, श्री पीयूष गोयल जी हैं और श्री जेपी नड्डा जी हैं। आज हमारे लिए दोहरी खुशी है और ये हम आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आग्रह करूंगा कि अपनी बात आप लोगों के बीच में रखें। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। 2016 में जो 5 राज्यों के चुनाव होने थे उसके नतीजे आज आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आनंद का विषय है कि पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और पांचों राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से स्वीकृति दी है। ये पांचों राज्यों के परिणाम के बाद केरल से लेकर कश्मीर तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने का काम मैं मानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से किया है। इस विजय के लिए मैं पांचों राज्यों की जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार मानता हूं और सभी हमारे कार्यकर्ता जो बूथ से लेकर राज्य के चुनाव संचालन के अंदर लगे थे उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये जो अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, एक स्वरूप से ये नतीजे नरेंद्र मोदी सरकार के जो 2 साल के कामकाज है इस पर जनता की मोहर है, हकारात्मक पॉलिटिक्स का विजय है, नकारात्मक प्रचार का पराजय है और देश में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की नई शुरुआत मैं यहां से देख रहा हूं। पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों ने अलग अलग राजनीतिक बहाने निकालकर पार्लियामेंट को विकास के रास्ते से भटकाने का काम किया उनको पांचों राज्यों की जनता ने अपनी जगह दिखा दी और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है और कांग्रेस मुक्त भारत के काफी नजदीक पहुंचे हैं। जहां तक आसाम का सवाल है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर पूर्व में अपनी सरकार बनाई है। एनडीए गठबंधन को जो भारतीय जनता पार्टी असम गण परिषद और बोडोज को लेकर बना था वहां पर, उसको भारी सफलता मिली है। 2/3 बहुमत से वहां जनादेश मिला है। स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना पाए, इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। मैं मानता हूं कि उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अच्छे समाचार है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे आनंदित हुआ है। बंगाल के अंदर भी 2011 के विधानसभा चुनाव के अंदर हमें 4.6% वोट मिला था और इस चुनाव में हमें 10.7%, करीब करीब 11% वोट मिला है, जो दर्शाता है कि हमारा वोट को हमने 2.5 गुना किया है और एनडीए गठबंधन को वहां पर 6 सीटें प्राप्त हो सके ऐसी स्थिति बनी है। अभी कुछ सीटों का काउंटिंग चालू है। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत मेहनत कर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को के विस्तार के लिए एक कार्य योजना बनाई थी, इसको भारी सफलता मिली है। गत चुनाव के अंदर केरल में भारतीय जनता पार्टी को 6% वोट मिले थे और इस चुनाव में एनडीए, जिसमें हमारा एक एलआई है बीडीजेएस, उसको मिलाकर करीब करीब 15% वोट मिले हैं। तो 3 गुना वोटों में बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी ने की है और एक सीट भी जीते हैं। पांडिचेरी
और तमिलनाडु दोनों जगह पे हमने हमारा जो सफलता का ग्राफ था उसको बरकरार रखा है, उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। हालांकि वहां पर सीटों की दृष्टि से हमें सफलता नहीं मिली है। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक सीट थी, हम एक जीते हैं। गुजरात के अंदर कांग्रेस की एक सीट पर उपचुनाव था, वो भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। और यूपी में दोनों सीटें वैसे समाजवादी पार्टी जीती है, मगर दोनों सीटों पर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 9% वोट मिला था, इस बार 45% वोट मिला है। दूसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 8% वोट मिला था, वहां 37% वोट मिला है। मैं मानता हूं बहुत अच्छे चुनाव नतीजे उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमें मिले हैं। आसाम का विजय बहुत दृष्टि से मायने रखता है। आसाम एक सरहदी राज्य है, ये वो राज्य है जहां से 10 साल तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री आसाम का प्रतिनिधित्व करते थे। वो राज्य के अंदर बीजेपी की स्वतंत्र रूप से सरकार बन पाए, इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को यश मिला है और एनडीए को दो तिहाई बहुमत मिला है। और मैं आज यहां से आसाम की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरा एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में आसाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आसाम को काफी समय के बाद एक लोकाभिमुख सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आने वाले दिनों में आसाम देश के विकसित राज्यों में शुमार हो सके, इस प्रकार से हम निष्ठावान प्रयास करेंगे। केरल के अंदर हिंसा की राजनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया है, मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़ा प्रयास है और उसको सफलता भी मिली है। मित्रों, ये सभी राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जब शुरू हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के पास पुराने जो आंकड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी कभी भी चुनावी राजनीति में। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लिए एक स्टॉन्च फाउंडेशन डालने का काम ये सभी राज्यों में किया है और ये जो नींव, सशक्त नींव पड़ी है उस पर 2019 तक मुझे भरोसा है कि हमारी कैडर एक मजबूत विजय की इमारत बनाने में सफल होगी और भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में ये सभी राज्यों में एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगी। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार जो चल रही है, उसने गांव, गरीब, किसान के लिए जिस प्रकार की कार्य योजना बनाकर आगे हम निकले हैं, मैं मानता हूं जहां हमारा संगठन नहीं था, निर्बल था, वहां पर भी इसको बहुत अच्छी स्वीकृति मिली है। एक दो साल 26 तारीख को मोदी सरकार को समाप्त होंगे, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का हमारा वादा था वो निभाया है। राजनीति को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए हमने जो वादा किया था उसमें भी हम सफल हुए हैं और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने में श्री नरेंद्र मोदी को अप्रत्याशित सफलता मिली है। इससे भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना अच्छा जनादेश प्राप्त हुआ है। जब मैं अध्यक्ष बना तब भारतीय जनता पार्टी की टीम ने एक लक्ष्य रखा था कि सातों राज्य नीचे से, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, बंगाल और आसाम, ये सातों राज्यों में हम पार्टी के संगठन का विस्तार करेंगे। मुझे आज कहते हुए हर्ष है कि लगभग 17-18 महीने के समय के अंदर हम ये काम बहुत अच्छे से कर पाए हैं और इसको हमारे कार्यकर्ता आगे पर भी करेंगे। मेघालय में एक उपचुनाव था, वो भी एनडीए ने बहुत अच्छे से जीता है और कांग्रेस ने दोनों राज्य जहां पर उनकी सरकारें थी उसको गंवाया है। तो एक तरीके से जो पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिक्स को आगे करकर, राजनीतिक मुद्दों को आगे करकर और एक तरीके से जनता ने जो जनादेश दिया है इसके साथ नॉन कोऑपरेशन की एक भूमिका रखकर काम कर रहे हैं, अड़ंगा लगा रहे हैं और विकास को रोकने का काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने एक
रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि ये हकारात्मक परिणाम है और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। जयललिता जी और ममता जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। दोनों राज्यों में उन्होंने बहुत अच्छी जीत अर्ज की है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई। अरे इतना बड़ा तो लेक्चर दिया भैया। मैंने कहा ना आ गया सब। एक मिनट, वन बाई वन, पीछे ऐश्वर्या, फिर तिवारी जी, फिर रविंदर। नहीं वो ठीक है, मगर मैं मानता हूं बंगाल में हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। बंगाल के अंदर हमारी वोटों की जो बढ़ोतरी हुई है और एक नींव डाली है वो बहुत अच्छा है। बेस बहुत कम था, हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अमिताभ सिन्हा, फिर तिवारी जी। हाँ पार्टी के सबक सार्वजनिक करने के लिए नहीं होते हैं। तिवारी जी देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए एनडीए सरकार के विकास के एजेंडे को रोकने का ट्राई किया है, मोदी जी के प्रयास को रोकने का ट्राई किया है और उसी का परिणाम है। राज्य कोई भी हो, कोई भी जीता हो, कोई भी हारा हो, कांग्रेस सब जगह हारी। वेंकट जी, वेंकट, फिर रविंदर जी, फिर विकास जी। आमतौर पर कांग्रेस के अलावे सभी पार्टी जो जनादेश आती है इसका सम्मान करती है। मैंने भी जयललिता जी को बधाई दिया है। रविंदर जी, जिस प्रकार से वहां पर हिंसा का वातावरण उन्होंने बना है, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं की भावना जुड़ी हुई है और मैं वो भावनाओं का सम्मान करता हूं। रविंदर जी, फिर विकास जी। क्या असम में? नहीं नहीं, जीत में हर साथी का महत्व है, हर साथी का योगदान है, तभी जाकर इतनी बड़ी जीत आती है। मगर भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते पर भी पूर्ण बहुमत मिला है। रविंदर जी, हम 2019 में हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और हम हमारे परफॉर्मेंस को ठीक रखने का सजग प्रयास कर रहे हैं, 2019 तक उसको चालू रखेंगे। विकास भदौरिया। अरे भाई, सामने जो होंगे वो होंगे, हम हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। विकास भदौरिया, फिर अखिलेश शर्मा। मुझे मालूम नहीं भदौरिया जी, आप इस नतीजों को किस चश्मे से देख रहे हैं। राजनीतिक बढ़ोतरी का जो ग्राफ होता है कभी यूं नहीं होता है, यूं होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने ग्राफ की दिशा पकड़ ली है। इसीलिए मैंने कहा कि स्टॉन्च फाउंडेशन है 2019 के लिए और इस पर एक बहुत अच्छी विजय की इमारत हम बना पाएंगे। अखिलेश जी, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ।
जयंत घोषाल जी फिर मारिया नहीं, मैंने भी संदेश दिया है, अभी आप रिसीव नहीं कर पाए, चलिए हो गया। देश के विकास के लिए जो लोग साथ में आना चाहते हैं वो सभी का स्वागत है। मारिया मारिया फिर पीछे सवाल। ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में हम रीजनल पार्टी के खिलाफ चुनाव जीत कर आए, हरियाणा में रीजनल पार्टीज के खिलाफ चुनाव जीत कर आए, झारखंड में रीजनल पार्टीज के खिलाफ चुनाव जीत कर आए हैं, पीछे केरल से। हाँ, नहीं जारी ही है लाइन हमारा। विजय जी आपके सामने जो बैठे। हाँ, ये आपकी मान्यता है, मैं नहीं मानता, कमी आई है। आर्थिक मोर्चे पर हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने अच्छा परफॉर्म किया। विजय जी फिर मजुमदार जी फिर अशोक सिंघल जी। नहीं, हम एनडीए के साथ लड़ना चाहते हैं। अशोक जी हाँ पूछिए ना, बोलिए। मैंने नहीं कहा, उन्होंने पूछा मुझे, मैंने ऐसा नहीं कहा भैया, पहले मैंने ऐसा नहीं कहा, फिर से सवाल पूछो। मेरे मुंह में क्यों यार शब्द डाल रहे हो तुम। बहुत धन्यवाद। एक हाँ मजुमदार जी, आप अशोक जी प्लीज, आज परिणामों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एनडीए एलाइज को लेकर सरकार बनाई। हाँ, बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस इस पर सीमित ने। हाँ नहीं नहीं वो सुब्रमण्यम स्वामी जी का अभिप्राय उन्होंने लिखा है। अरे वो मुझे नहीं लिखा ना, मुझे लिख के तो मैं जवाब दे देता। राहुल श्रीवास्तव जी मेरी एक प्रार्थना है सबसे कि पांच राज्यों के जो परिणाम आए इसी पर अगर आप अपने सवाल केंद्रित रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। आप पूछिए प्लीज। हाँ देखिए, हम आसाम की भलाई के लिए और हमने जितने भी वादे किए हैं पूरा करने के लिए सक्षम भी है और सजग रूप से परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। लास्ट सवाल शीला जी। हाँ
हमने हमारी बेसिक आइडियोलॉजी में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स की है, विकास के एजेंडे पे हम आगे बढ़े। एक एक राधिका जी, जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो तय करेंगे। आपका अभी डेट तय नहीं हुआ, आज शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसके अंदर ही सारी चीजों पर चर्चा होगी। अभी तय नहीं सवाल। हाँ, मुझे लगता है परिणाम देखकर कांग्रेस के साथ जाने का साहस कोई नहीं करेगा, जो जो गया है वो सब हारे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बैठे रहो, बैठे रहो। बैठ जाओ यार।